आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आज हम चल रहे हैं एक ऐसे प्रोग्राम में जहां पर बहुत से लोग मौजूद हैं, वो चार शक्लें एकेडमी के से जुड़े हुए हैं और ये जो है जश्न शराफत अली मियां जो है वहां पर इज्तिमाई शादी होती है। आज 14 साल से ये तकरीबन शादी हो रही है, इज्तिमाई शादी मुंबई में होती है और आज ये 15वां साल है और तमाम के तमाम जो मुंबई की यूनिट है, कुर्ला की यूनिट है, मुमरा की यूनिट है, कल्याण की यूनिट है, ये तमाम यूनिट मिलाकर भिवंडी आई है और भिवंडी में आज इन लोगों ने एक कमेटी का भी इंतखाब किया है जिसके चेयरमैन भी बनाया गया है, सेक्रेटरी भी बनाई गई है और ये हम आप सबको मिलाते हैं और साथ साथ में हम आपको ये बता भी दे रहे हैं कि अगर आपके यहाँ भी अगर कोई ऐसा शख्स है जो इज्तिमाई शादी में शामिल होना चाहता है, अगर जोड़ा तैयार है तो शाह शकलन अकेडमी जो मुंबई में बहुत बड़ा जश्न मनाती है, इज्तिमाई शादी करती है, आप निज़ामपुरा कुरेश नगर में आकर जो वहाँ के चेयरमैन हैं अशरफ कुरेशी उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे नीचे उनका नंबर भी दिया गया है। आपको और एक बात बता दें कि इस शादी में जो है आपका बिल्कुल कोई खर्च नहीं होगा, बिला मुआवजा ये शादी हो। तो आइएगा कुछ बात करते हैं मुंबई से आए हुए यूनिट के लोगों से और आज बनाए हुए हैं यहाँ के चेयरमैन के, तो बात करते हैं शाह शकलन अकेडमी के लोगों से जो मुंबई से यहाँ तशरीफ लाए हैं। इन्होंने भिवंडी में भी एक यूनिट का इनका किया है आज। इससे पहले हमारे यहाँ भिवंडी के यूनिट के चेयरमैन जो थे वो लई कुरैशी थे, लेकिन कोविड की वजह से कोविड के बीच में उनका किसी सूरत में इंतकाल हो गया और मरहूम लई कुरैशी की जगह अब यहाँ पर अशरफ कुरैशी को इनका चेयरमैन बनाया गया है। साथ ही साथ हम उनसे बात भी करेंगे और पहले तो हम यहाँ पर यूनिट के लोगों से बात करेंगे कि वो किस सूरत में किस तरीके से, क्योंकि अभी कोविड का मामला चल रहा है और ज़्यादा गर्दी नहीं लगाना है, लेकिन इज्तिमाई शादी में हमने देखा है कि पिछले 14 साल से पूरी की पूरी मुंबई भिवंडी शहर पूरा कुर्ला शहर वहाँ पर उमड़ पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्दी रहती है और इस मरतबा जो है कोविड जैसी बीमारी का सामना भी करना है, तो किस तरह से पूरा इंतज़ाम करेंगे बात करते हैं। आपको बताइए कि किस तरह से इस शादी का इंतजाम किस साल किया गया। मैं जो शाह शकलन अकेडमी यूनिट का मास यूनिट का चेयरमैन हाजी उस्मान मिले में बात कर रहा हूँ। इंतज़ाम जो है 15 साल मुकम्मल हुए, 14 साल मुकम्मल हुए, 15वां साल। 15 साल में अभी जो गवर्नमेंट ने जो सब कानून बनाई है मास के लिए, तो भाई इस तरह से नहीं होना चाहिए, 50-50 का ही है मेहमानों का, इससे ज़्यादा भीड़ नहीं। वो जब जो हालात होंगे हम देखेंगे, मास मैरिज करनी, मास मैरिज का भी हम इंतजाम करेंगे, सैनिटाइज का भी करेंगे और डिस्टेंसिंग का भी करेंगे, उससे हमको कोई वो नहीं है। जो गवर्नमेंट का है वो पालन करेंगे और हम अनुमत करेंगे, क्योंकि हमको गवर्नमेंट को फॉलो करके चलना है, हमको गवर्नमेंट का पालन को नहीं तोड़ना। जी बिल्कुल सही बात है, जब गवर्नमेंट जो आदेश देगी इन्हें उसी आदेश के थ्रू ये जो है वो पूरा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेंगे। साथ ही साथ आज हमारे यहाँ भिवंडी के यूनिट के जो चेयरमैन हैं और वो अशरफ कुरैशी को बनाया गया है, बात करते हैं अशरफ कुरैशी से। लेकिन सबसे पहले उनसे बात करेंगे, उनको मुबारकबाद देंगे कि आपको चेयरमैन बनने बहुत बहुत मुबारक हो और कैसा लग रहा है आपको और किस तरह से तैयारी आप करेंगे भिवंडी के जो हमेशा से यहाँ होते चले आए हैं। अब कुछ मैं भी जानता हूँ कि इसका तरीका क्या है, बस ये है कि इस बार कोविड की लपेट की वजह से थोड़े से चेंजेस आएंगे, तो पहले हम उसको समझेंगे वहाँ ऊपर से क्या हमारे लिए आदेश आते हैं, उसके मुताबिक कमेटी जैसा भी हमको बताएगी हम उसके हिसाब से उसके मुताबिक अपना काम अंजाम देंगे। वैसे कोरोना वायरस का जो लिहाज है उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए काम करेंगे और इसमें मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है, घर घर जाके लोगों को ये बताना है कि भाई ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, फला फला दिन पे 14 फरवरी को मुनक्किद किया गया, इसमें जो भी हमसे हो सकेगा यहाँ वालों की हम मदद करेंगे, भिवंडी के पूरी भिवंडी के लोगों की जो भी ज़रूरतमंद रिश्ते हैं उसके लिए हमसे जो हो सकेगा हमारा वक्त उनके लिए तैयार रहेंगे, यही हमारी कोशिश है। अच्छा मुझे ये बात बताइए कि ये जो शाह शकलन अकेडमी है इसमें जात बिरादर का कोई भेदभाव है या आप सभी के लिए ये सब कुछ करें। जी नहीं, इसमें जात बिरादरी का कोई भी वो नहीं है रोल,
और ये इत्तेफाक की बात है कि इस बार जो कमेटी फॉर्म हुई है इसमें तमाम कुरैशी लोग हैं, ये इत्तेफाक की बात है। लेकिन काम पूरी भिवंडी के लिए, इसमें जात पात को किनारे रखते हुए हम सारे काम सारी उम्मत मुस्लिमों के उसमें करेंगे, हक में। जो लोग इसे मतलब उसमें एक शर्त ये है कि जितने भी लोगों के रिश्ते तय होंगे वो उनके ख्याल सुननी होना चाहिए, सुन्नत और जमात के साथ उन लोग साए में रहे, बस यही हमारी पहली कंडीशन है। बाकी जो भी रहेगा, अंसारी हो, मोमिन हो, कुरैशी हो, इससे हमें कोई सरोकार नहीं, हम उसके लिए आधी रात को हाजिर होंगे। और सभी लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि अब जो है कितनी तारीख को है, ये 14 फरवरी 2021 फॉर्म भरने की जो तारीख है 25 जनवरी है। 25 जनवरी को 6 बजे फाइल जो है वो भरे जाएगी, 7 बजे के बाद फाइल जो है ना वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगी, फिर वो फाइल नहीं भरेगी। तो ये बात बहुत अच्छी है कि आप लोगों को भी ये जानना चाहिए कि अगर आपके यहाँ पर कोई ऐसा शख्स है जो इस इस्तेमा शादी में शामिल होना चाहता है तो 25 जनवरी तक वो अपना फॉर्म जाके कुरेश नगर में अशरफ कुरेशी के यहाँ भरने का सिलसिला शुरू है, वो जमा करा सकते हैं। अपने कसाई वाले में भी, यहाँ जमात में भी सब जमात के पटेल लोग हैं, यहाँ आके जमा कर सकते हैं। उनको सभी लोग कोऑपरेट करेंगे, लोगों सहयोग करेंगे, उनको सब सिस्टम भी बताएंगे क्या करना है क्या। मगर 25 की 6 बजे ऐसा नहीं हो कि झोला यहाँ तैयार हो 25 की 2021 और 25 जनवरी को आ रहा है, ऐसा नहीं। अब सिलसिला शुरू हो चुका है, हमारे पास अभी तक के 24 जो है मुकम्मल फाइल हो चुकी है और 6 जोड़े की फाइल अभी खुल्ला से हमारे इंडिया में वो आना बाकी। हमारी लिमिट है ना 51 की, 51 के ऊपर अगर 100 भी जाएगी तो ठीक है। इनकी जो लिमिट है वो 51 की है। अगर आप भिवंडी शहर में हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए ताकि किसी गरीब का भला हो जाए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन्हें बताइए। और नीचे जो नंबर दिए जा रहे हैं उसमें वो चेयरमैन के नंबर है और कुछ मेंबर्स के नंबर है, आप उन नंबर पर उनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं और एक नेक काम भी कर सकते हैं। तो नेक काम के लिए आप खड़े हो जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उस ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुँचे और उसका फ़ायदा हो जाए। मैं अपने भिवंडी समय न्यूज़ के जरिए सुल्तान कुरैशी।